हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हंगर जोन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज्जा पॉकेट, और ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय करते हैं और बनाते हैं ब्रेड पिज्जा पॉकेट की रेसिपी। चीज पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पास ली है ढेर सारी सब्जियाँ, जिससे कि ये बहुत ही हेल्दी हो जाए। यहाँ पास मैंने सब्जियों में लिया है एक फाइनली चॉप्ड प्याज, साथ में मैंने यहाँ पास 3-4 बीन्स को फाइनली चॉप कर लिया, साथ में यहाँ पास आधा गाजर को मैंने फाइनली चॉप किया है, और एक शिमला मिर्च है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ बंदा गोभी को जूलियंस में काट लिया है, और यहाँ पास हरा धनिया मैंने लिया है, साथ में 3-4 हरी मिर्चों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और साथ में यहाँ पास 2 चम्मच टोमेटो केचप मैं यूज करूंगी, और 1 चम्मच अनसॉल्टेड वाटर मैंने यूज किया। और अब हम पैन में डालेंगे सबसे पहले बटर, और अब हम इसमें एक एक करके सब्जियों को डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पास हरी मिर्च को डालूंगी, और अब मैं इसमें डालूंगी अनियंस, यहाँ पास प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी गाजर और इसे थोड़ी देर भून लूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी बीन्स, और साथ में यहाँ पर पत्ता गोभी को डाल लूंगी और इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं लास्ट में इसमें कैप्सिकम को भी ऐड कर लेती हूँ। सभी सब्जियां हल्का भून चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पास कुटा हुआ काली मिर्च, अब हम इसमें डाल लेंगे टोमेटो केचप और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर यहाँ पास फिलिंग के लिए रेडी हो चुका है। लास्ट में चाट मसाला और हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करके गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे, और अब मिक्सचर को निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हम ब्रेड की स्लाइस को ट्रिम कर लेंगे। और इसे पतला बेल लेंगे। देखिए इस टाइप से मैंने चीज को ऐड कर लिया है, अब हम इसे साइड रख देंगे, और यहाँ पास ब्रेड के स्लाइस को लेंगे, और उसके ऊपर हम एक साइड में मिक्सचर रखेंगे, और इसके साइड्स पर पानी लगा लूंगी मैं। और इसे उठाकर मैं चिपका दूंगी अच्छे से। और ये देखिए, ये चिपक गया है अच्छे से, इसे साइड में रख देंगे हम। और ये देखिए, मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम चलते इसे फ्राई करने की ओर। तेल यहाँ पास मीडियम गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल में इसको धीरे धीरे एक एक करके डालेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे हम एक एक करके। यहाँ पास तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना, नहीं तो जो है ब्रेड वो बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगते फ्राई होने में, ये देखिए कितना जल्दी ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं फ्राई करने में।
और अब मैं इसे निकाल लूंगी। और अब मैं इसमें सेकंड बैच डालूंगी फ्राई होने के लिए। और ये देखिए, ये हमारा सेकंड बैच भी यहाँ तैयार हो गया है। मैं गैस के फ्लेम को बंद कर लूंगी और इसे निकाल लूंगी प्लेट में। और अब चलिए हम चलते हैं सर्व करने की ओर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पॉकेट पिज्जा बनकर तैयार है। और ये देखने में कितना यमी लग रहा है। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। और यहाँ पास मुझे मोजरेला चीज नहीं मिला था, तो भी देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।